So hey guys, this is Shakina and welcome to my channel. Cause it's my first video. So I prepared for my CUET exams and what's my experience. So without any further ado, let's get started. So after my board exams, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया 1st of June से. मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ के टीचर, एनवायरमेंट, ऑल इन गुड एंड सेड. सो मैंने वहाँ पे स्टडीज कंटिन्यू करी 1 month करते करते मुझे 1 month हो गया. सो मेरा 1 month जैसे कंप्लीट हुआ, मैंने 7th of July को मैंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम प्राइजेज और CUET के एग्ज़ाम्स की डेट नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था कब तक होना है नहीं होना, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया. तो उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी. कर सकते हैं, एवरी वन कैन डू. तो सेल्फ करना कुछ बड़ी बात नहीं है. इंस्टीट्यूट या ट्यूशन ज्वाइन करने से आपको एक बेटर गाइडेंस मिल जाती है, जिसकी वजह से आई गेस आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. मेहनत हर चीज़ में, बट आपको एक गाइडेंस मिली प्रॉपर, तो आपको उसी वे पर चलना है. सेल्फ से क्या होता है, आपको खुद अपना वे बनाना है एंड उस पर चलना है. तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट करना आपने फिर भी मेहनत ही है. Okay. तो ऐसे मैंने सेल्फ स्टार्ट किया. मैं सुबह 6 बजे उठती थी, 6 से 9 बजे पढ़ती थी. तो मैं बैठ कर लिखना, पढ़ना, सब कुछ करना. और मैंने ऑनलाइन सब कुछ इकट्ठा किया, सारा मटेरियल मैंने ऑनलाइन इकट्ठा किया. ऑनलाइन मैंने स्टडी करा और नोट्स बनाए, बुक्स रीड करी, जो मैंने मतलब कभी 12th, 10th बोर्ड्स किसी भी प्रीवियस क्लास में नहीं किया था आज तक. कभी मैंने बुक रीड करके नोट्स नहीं बनाए. फर्स्ट टाइम CUET के लिए मैंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया. पहली बार मैंने हार्डवर्क किया है, पहली बार पढ़ा इतना मैंने किया. उसके बाद करते करते एडमिट कार्ड का पता चला कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गए. एडमिट कार्ड चेक किया, 8th of July आया मेरा, नहीं 8th of August मेरा फर्स्ट स्लॉट आया, जिसमें मेरे पास इंग्लिश, हिस्ट्री, फॉल एंड हिस्ट्री कॉल इंग्लिश और जनरल टेस्ट मेन चीज़ थी, मैं भूल गई. तो जनरल टेस्ट भी था, तो जो मैंने इंस्टीट्यूशन से तो उसमें जनरल टेस्ट ही मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, और देन मैंने क्विट कर दिया. तो मेरा जनरल टेस्ट थोड़ा सा था कम्प्लीट, थोड़ा बहुत रह गया था, बाकी मैंने कम्प्लीट कर लिया था जनरल टेस्ट. मैंने कॉल हिस्ट्री खुद से करी. इंग्लिश तो लैंग्वेज है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेरे को उतना डर नहीं था इंग्लिश में, मुझे कॉन्फिडेंट था इंग्लिश में. ऑल और हिस्ट्री मैंने चेक कितनी भी कर लूँ कितनी भी, मुझे कॉन्फिडेंस आते ही नहीं है, चाहे वो 12th हो 11th हो या फिर CUET हो, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता इसके लिए इतना. बट मैंने पढ़ा बहुत था, लिटरली मैंने बहुत पढ़ा था. फर्स्ट टाइम मैंने किया एंड देन 7th of August मुझे पता चलता है, जब मैंने अपना री डाउनलोड किया एडमिट कार्ड, तो मुझे पता चलता है मेरा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है. तो जब वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, आई वॉज वेरी शॉक कि यार मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ और अब मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया. एक खुशी, एक गम, पर ही क्या था. बट फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता इसमें भी मुझे और मेहनत करनी हो, इसलिए मेरा रीशेड्यूल हो गया. तो फिर वो मैं 22 पढ़ा और अब मेरा सेकेंड स्लॉट था 17th of August, जिसमें मुझे हिंदी लैंग्वेज थी और डोमेन्स थे मेरे पास इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल. तो हिंदी मुझे पढ़नी और लिखनी दोनों ही नहीं पसंद, बट हाँ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ हिंदी में, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं हिंदी में. मेरी मम्मी का मानना है मतलब मैं हिंदी में टॉप करती हूँ, बट आई लाइक बिल्कुल भी नहीं. तो इकोनॉमिक्स जो था वो मैंने अच्छे से किया. इकोनॉमिक्स में मैं ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज जिनसे मैंने अपनी 12th 11th पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पढ़ा था जिनसे, उन सर ने मुझे इतना अच्छा बेस बनाया था, मेरा उतना अच्छा बेस बनाया था इकोनॉमिक्स में कि मुझे कभी भी इकोनॉमिक्स को लेकर डर नहीं लगा. हमेशा ये था कि हाँ भाई हो जाएगी इकोनॉमिक्स, तो यार सब इतना वो करते हैं, हवा बना दिया इकोनॉमिक्स नॉर्मल सब्जेक्ट, कॉमर्स के लिए तो बिल्कुल ही नॉर्मल है. बट हाँ आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स, तो मैंने इकोनॉमिक्स चूज करी. इन्वायरमेंटल में क्या था, मुझे कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आई क्योंकि मुझे उसके उसका मटेरियल नहीं मिला ऑनलाइन उतना, और जैसे जैसे मैंने थोड़ा वक्त निकाला और बुक वगैरह तो थी नहीं, मैंने बाई नहीं करी थी कुछ भी, मैंने सब कुछ अभी तक से करा ऑनलाइन. तो फिर करा, इन्वायरमेंटल भी आया हमारा 17 डेट चले गए हम देने,
मेरा फर्स्ट स्लॉट सेकंड जो स्लॉट था मतलब ये 17 वाला राजौली गार्डन पड़ा। तो हम वहाँ गए, काफ़ी अच्छा कॉलेज था, स्टाफ टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ हाफ एन आवर लेट, 3:30 पे, 3 o'clock हमारा स्टार्ट होना था, 3:30 पे स्टार्ट होता है और 5:15 पे मेरा था लीविंग टाइम। बट मेरे को लीव करते करते वहाँ से निकलते निकलते 6:15 बज हो गया था टाइम, 6:15 हो गए। देन और मैंने अपने पेरेंट्स को बोलता कि मुझे 5 बजे आप बाहर चाहिए हो, 5:15 पे मैं बाहर आऊँगी, मुझे 5 मिनट क्या 1 मिनट भी वेट नहीं करना है, आप मुझे बाहर चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आ जाएंगे। और मैं 6:15 पे निकली बाहर और आई वॉज लाइक अब तो मेरी वाट लगी यार, मैंने कितनी जल्दी बुला लिया था और मैं इतना खुद ही लेट हो गई। और मुझे पहले से बोल रहे थे कि आप तुम लेट होगी ये कुछ पता नहीं होता है अंदर जाने के बाद। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं 5:15 पे बाहर आ जाऊँगी, आप मुझे 5 बजे पिकअप कर लेना है वहाँ से। और वो 5 बजे ही आ चुके थे पर मैं इतना लेट थी तो मैंने बोला थोड़ा एग्ज़ाम लेट हुआ ये वो, बोले हाँ हाँ हमने बोला था ना, मैंने हाँ ठीक है सॉरी। तो उन्होंने मुझे पिक किया, 7:30 मैं घर पर आ गई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन अपनी फिर से, उसकी कॉल वगैरह की प्रिपेयर था ऑलरेडी बट रिवीजन करनी थी ऑब्वियस लैंग्वेज में, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट था बट हिस्ट्री कॉल में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैंने कितनी भी कर ली थी बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं करती गई और देन आगे ठंडी ठंडी मैंने चलो भाई ये भी देख आएंगे। पहले वाले में तो मैं चौके छक्के दोनों मार गई थी, मज़ा आ गया था इकोनॉमिक्स का देख के, तीनों ही ठीक गए थे। तो सेकेंड में अभी सेकेंड भी कॉलेज ही पढ़ा था मेरा और वो पढ़ा था आई टू। तो वहाँ पर हम मैं गई, तो जब मैं अंदर गई काफ़ी मुझे वहाँ का भी माहौल काफ़ी अच्छा था, एनवायरमेंट टीचर्स और स्टाफ वहाँ के भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। और जहाँ भी मैं गई मतलब दो मेरे कॉलेज पढ़े और दोनों में ही जो कॉरपोरेशन था, कॉरपोरेशन कमेटी थी वो पंजाबी थी, सिक्स थे एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे होते हैं यार, काफ़ी अच्छा हुआ। बट मेरा वहाँ पर क्या हुआ, जनरल टेस्ट में थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया, इंग्लिश मैंने मस्त दिया, 15 या 12 मिनट्स पहले कर लिया, फिर हिस्ट्री कॉल किया वो भी 15 या 12 मिनट्स पहले मैंने कर लिया था, तीनों हो गए साइड। अब मेन आता है जनरल टेस्ट, फिर मैंने स्टार्ट किया जनरल टेस्ट, 60 मिनट्स थे, 60 क्वेश्चंस करने थे और 75 क्वेश्चंस थे। फिर मैंने जब जनरल टेस्ट स्टार्ट किया मैं बोली पहले मैं न्यूमेरिकल सारे साइड करूँगी, जितना भी जनरल नॉलेज रीजनिंग वगैरह फटाफट कर लूँ, मैथ्स का क्वेश्चन साइड करूँगी। तो उसमें मैं मैथ्स का क्वेश्चन क्या ही साइड करती, पूरी मैथ्स भरी थी, मतलब मैंने टेंथ में इसलिए ही आर्ट्स ऑप्ट करी थी बिकॉज मुझे मैथ्स नहीं चाहिए थी आगे। बट ठीक है देन हो गया वो भी, मैंने करा किसी तरह। और उसमें सारे क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस एवरेज प्रोपोर्शन वर्कफोर्स यही भरा था सारा, मतलब कोई नहीं हो जाएगा, मैंने की थोड़ी एक्चुअली मेरी कैलकुलेशन काम है मतलब स्लो है। तो जब ऊपर से टाइम चले जा रहा था ना, मैंने स्क्रीन पे दिखा रही टाइम चले जा रहा है और जो होता है 2 to the 4 उस वक्त मेरे को 4 समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं 2 to the होता कितना है, उससे मेरा माइंड ऐसा हो गया था कि क्या है एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो रही थी उस टाइम। मैंने किसी तरह 60 में से 40-41 समथिंग अटेम्प्ट करे एंड देके आ गई। मम्मा पूछ ली बेटा कैसे गए एग्जाम, आई वाज लाइक मम्मा बढ़िया बढ़िया अच्छा गया, अब बाकी रिजल्ट्स बताएंगे। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी टाइम दोनों टाइम अच्छा रहा, एग्जाम्स भी ठीक ही गए, मैंने तो अपना एटलीस्ट 100% दिया, बाकी अब देखा जाएगा क्या होगा, बाय गॉड गे सब बढ़िया होगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। Thank you guys. Thank you so much. Bye bye.